हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ अनदर वीडियो। तो आज हम बनाएंगे मिक्स वेज। ये मैंने लिया है मटर, फ्लावर, कैप्सिकम और मैंने लिया है पत्ता गोभी थोड़ा सा ये, और मैंने लिया है बीट रूट थोड़ा सा। तो मैंने अभी तेल डाला है और ये जो है ना अदरक और हरी मिर्च है ऐसे क्रश किया है मैंने, तो ये डालेंगे बघार में। और ये जो है वो है अपना मैगी मसाला थोड़ा सा, और इसमें है लाल मिर्ची 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी। तो मैंने तेल डाला है इसमें, सिंग तेल 1 चम्मच और 1 चम्मच अपना राई का तेल। तो इसमें डालेंगे अभी ये राई, जीरा और हींग, इसका बघार है। तो ये राई जब क्रैक होता है ना तो हम डालेंगे ये अदरक और मिर्ची इसमें, ठीक है। अभी अपना राई क्रैक हो रहा है तो हम डालेंगे ये अदरक और मिर्ची। तो थोड़ा सा इसको, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, अब डालेंगे ये जो मिर्ची पाउडर लिया था और धनिया और हल्दी। अब डालेंगे अपना सब्जी जो मैंने काट के रखा था, फ्लावर, बटाटा, मटर और कैप्सिकम इसमें डाल देंगे। ये बहुत मस्त बनता है ये सब्जी, अब देखो बना के। ऐसे तो बनाते हैं लेकिन थोड़ा कुछ अलग रहता है तो अच्छा लगता है। सेम हम बनाते रहते हैं घर पे। डालेंगे थोड़ा नमक इसमें, अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालो, और उसको बंद करके रख देंगे कुक होने के लिए 5 मिनट। अपना भाजी तैयार है, अब डालते हैं ये बीटरूट और ये जो मसाला लिया था हमने मैगी मसाला, इसमें भी थोड़ा नमक रहता है। तो अपना भाजी पक गया है और रेडी है अब सर्व करने के लिए। बीच बीच में आपने देखना है इसको पकना, पक रही है कैसे, कितना पकी है, तो एकदम ओवर कुक नहीं होना चाहिए, अपने को सेमी कुक होना चाहिए थोड़ा, मतलब एकदम पच नहीं चाहिए अपने को, थोड़ा कच्चा कच्चा चाहिए तो अच्छा लगता है ये। तो अब हम डालेंगे थोड़ा धनिया। तो अपना भाजी तैयार है, एकदम बेस्ट भाजी है ये। अब बना के देखो, थोड़ा धनिया मारो, बहुत मस्त लगती है ये भाजी। अब देखो खा के, अच्छी लगी तो लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मुझे बहुत मस्त लगती है ये भाजी। ये देखो है ना मस्त, एकदम लाल लाल।
ये देखो मस्त भाजी है ना, अपना बन गया है, एकदम रापचिक भाजी बन गई है। तो आपको अच्छा लगा तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू अपना टाइम सब देने के लिए, और खुश रहो, गॉड ब्लेस, बाय बाय।